हमारा बेटा नया चैप्टर, नया यूनिट ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट करना है बेटी। आइए स्टार्ट करें। ग्रेविटेशन है बेटी हमारा नया चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर के रिगार्डिंग हमारे पास बेसिक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट है बेटे ग्रेविटेशन का, एक है ग्रेविटी का। आइए वन बाय वन उनको जरा डिटेल में समझें। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी बेटे जो है, इन दोनों का बेटा मीनिंग क्या है और कैसे हम इनको दोनों कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो प्रेजेंट हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इन नंबर, हम नहीं काउंट कर सकते उनको। और यूनिवर्स में कोई भी दो अगर हम ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर लें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, मे बी वन ऑब्जेक्ट इज एट वन एंड ऑफ द यूनिवर्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज ऑन द अदर एंड ऑफ द यूनिवर्स, तो उनके बीच में एक बेटा हल्का सा वीक सा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो दोनों एक दूसरे को एक वीक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा आप लोग अर्थ की सरफेस पे बैठे हो, अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हो, मैं आपके सामने हूं, हम सब पर अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसकी वजह से आप अपनी पोजीशन पर स्टेबल बैठे हो, मैं अपनी जगह पर हूं बेटा। और ये जो फोर्स है इसको हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप कंसीडर कर लें, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट वी कॉल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू किसी प्लेनेट के कोई अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें दैट वी कॉल एज फोर्स ऑफ इट अ ग्रेविटी। आइए इनको वन बाई वन डिफाइन करके फिर हम बेटे आगे चलते हैं। फोर्स ऑफ, बताने जा रहा हूं बेटे मैं, दो मिनट वेट कर लीजिएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा? एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी बेटे डायरेक्टली, यस बेटे लिसन ऑल ऑफ यू, पुत्र मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है आप लोग बड़ा अच्छा क्लियर हैंड राइटिंग आपका है, आपने अपना जो एक नोटबुक आप फेयर नोटबुक आपका है उस पर डायरेक्टली काम करते जाना है, घर पे जाकर दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं। जो काम हम बोर्ड पे कर रहे हैं सारा अपना फेयर कॉपी पे डायरेक्टली कर लीजिए। इन द एंड आपको मैं एक्सरसाइज जो करवाऊंगा वो उसमें और ऐड कर लेना और उसी को आपने चेक भी करवा लेना। बार बार एक रफ कॉपी के करोगे फिर दूसरी पे करोगे वो काम नहीं करना, तो आराम से यहीं पे सारा काम साथ साथ कर लीजिएगा। राइट बेटे, जो आपके पास है उस पे करो काम, जब तक वो फिल नहीं होती नवी नवी क्यों लगानी हमने, जब वो आपकी कंप्लीटली फिल हो जाएगी तब लगा लेना। अगर किसी बच्चे के पास आज नहीं है कल से स्टार्ट कर लेना, आज वाला काम घर जाके कर लेना, लेकिन रेगुलरली जब भी आपका फिजिक्स का क्लास होगा आप अपनी फिजिक्स की नोटबुक साथ लेके आएंगे, सारा काम यहीं पे करके जाएंगे। राइट, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी
it is defined as the force, it is defined as the force with which an object is attracted towards the center of the earth या जिस भी प्लेनेट की आप बात कर रहे हो। बेटे डियर चिल्ड्रन, आपने जैसे बोला है कि इनमें फर्क क्या है, यहां पे अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लोगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैं आपको अभी फॉर्मूला बताता हूं। इस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एफ है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनके प्रोडक्ट के बेटे बराबर होती है, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, और ये कौन सी नई एक्सेलरेशन आ गई है। सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखिएगा एक मिनट के लिए पुत्र, सारे बच्चे। ये मेरे पास एक पीस ऑफ चौक है, ध्यान से देखिएगा इसका सेटअप। जब तक मैंने इसको होल्ड किया हुआ अपने हैंड्स में, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? द मोमेंट आई ड्रॉप इट, इट मूव्स डाउन, अर्थ की सरफेस पे जाके गिर जाएगा। अर्थ की सरफेस को जस्ट टच करने से पहले, टच किया नहीं अभी, जस्ट उससे पहले इसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर और डीपली सोचें इसका मीनिंग, फिर बेटे कहीं ना कहीं ये हुआ कि आपका जो अर्थ है इस चौक के पीस को एक्सेलरेट कर रहा है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज एक्सेलरेट तभी होती है जब उस पर फोर्स लगे। अगर फोर्स नहीं लगती तो वो एक्सेलरेट नहीं हो सकती, राइट बेटा? इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। और वो जो फोर्स है दैट इज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उस फोर्स की वजह से आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा भी था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना बेटा। इस फोर्स की वजह से इस केस में आपकी बॉडी में ए के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। यहां पे ये फोर्स ये है और एक्सेलरेशन आपका जी के बराबर का है। तो यही बात आपको मैं समझाना चाहता था बेटा कि अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको आप बोल दोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। और बच्चों याद रखिएगा इसकी एक फिक्स वैल्यू है स्मॉल जी की, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो ये न्यूटन नहीं होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा बेटा। अब बेटे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं और डिटेल में आपको समझाना चाहूं तो मुझे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। आइए बच्चों कंसंट्रेट करें। बेटे आपको क्लियरली विजिबल नहीं है पुत्र, वो दोनों गर्ल्स आपको नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपरली, तो इधर ले इस साइड पे बैठ जाइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, इस लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा
कहा जाता है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, इमेजिन कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का, लेट इट बी एम वन कह देता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा है और इसका मास जो है, डियर चिल्ड्रन लेट इट बी, बेटे मैं बोल देता हूं एम टू है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से अगले ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, सेंटर से सेंटर तक बेटा जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है मैंने बोल दिया स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट पार्ट पहले देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स या ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers, inversely proportional to the square of distance between their centers। हाँ जी लिख रहा हूं बेटे, लिख रहा हूं, डोंट वरी, लिखता हूं बेटे, लिखता हूं। आइए मैथमेटिकल टर्म्स में इसको लिखें, जो चीज हमने लिखा है इस तरफ मैं दोबारा लिख देता हूं मैथमेटिकली बेटा। आपको कहा गया है कि ये जो दो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं या ये जो दो आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स में कहीं पे भी जो हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहता है और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस का प्रोडक्ट क्या है, एम वन इंटू एम टू है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स भी है बेटा, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आर, तो आप ऐसे कर सकते हो आर का स्केयर, यही कहा गया है, ये देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बेटा। अब डियर चिल्ड्रन, वो लास्ट स्टूडेंट्स बेटा, All well, everything fine। इन दोनों equations को बेटा आप combine कर लीजिए, combining equations one and two बेटे, combining equations one and two, आपके पास आ जाएगा f is proportional to m1 M2 upon R का स्केयर बेटा। अच्छा बच्चों आपने देखो प्रीवियसली भी पढ़ा है कि जब जब हम इसको एलिमिनेट करते हैं हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाया करता है ना बेटे, K बोला करते हैं हम उसको, बहुत बढ़िया, F इज इक्वल टू K M1 M2 upon R का स्केयर। यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि K यहां पे जो है ये आपका कैपिटल G के बराबर है,
के की वैल्यू कैपिटल जी के बराबर है और कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहेंगे। कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बेटे मैं ये कह रहा था यहां पे हम के नहीं लिखते, सीधा जी लिख देते हैं, या ये कह लो कि जो कॉन्स्टेंट है वो आपका इसके बराबर आ जाता है। दैट इज व्हाट डू वी मीन ओवर हियर बाय दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक मिनट और वेट करिएगा, आपका जो एफ है फिर बेटा ये कैपिटल जी के की जगह जी आ गया एंड एम वन एंड एम टू अपॉन आर के स्केयर के बराबर आया बेटा। बेटे यहाँ पे जो कैपिटल जी है जैसे आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस लेटर पे ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, चाहे आप यहां रहें या किसी और जगह चले जाएं, इट शुड नॉट चेंज एट ऑल। और इसकी पुत्र वैल्यू जो है कैपिटल जी की 6.67 10 रेस पावर माइनस 11 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। वो स्मॉल जी की है, मैं करवाऊंगा, अभी तो शुरू हुआ है। बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हरेक कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होती, नो डाउट कई जगह पर हमने 1 कहा है, जैसे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए डिराइव किया था वहां पे हमने 1 ही कहा था, काफी केसेस में 1 होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये 1 नहीं रहेगी। यहाँ पे इसकी के की वैल्यू 1 नहीं है, इसके बराबर है बेटा, आपको याद रखना होगा इसको, और इसके यूनिट्स भी याद रखने होंगे आपको। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से अलग है, क्या फर्क है दोनों में आपको मैं सारे डिफरेंसेस करवाऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लें पहले इसके बारे में भी और उसके बारे में भी, सो डिफरेंसेस फिर करेंगे हम बेटा। ध्यान दीजिएगा फिर से, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया है कि आपके किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है और वो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, और वो दोनों के बीच में सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस के स्केयर पे भी डिपेंडेंट है। इन दोनों को इकट्ठे कर लिया हमने, ये बन गया, इसको हटा दिया, ये सीधा लिख दो, ये रहने दो के वाले झंझट में मत पड़ो आप, या ये कह लो कि के आपका जी के बराबर है। आइए आपको जी के साथ और मैं थोड़ा सा फेमिलियर कर दूं, जी को हम और कैसे सोच सकते हैं देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है सबको डियर चिल्ड्रन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर स्केयर को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो मेरी बात समझिएगा, ये फिर आपका ये ऐसे आ गया, इसमें कोई खराबी वाली बात तो नहीं है। ये दोनों मासेस को भी इधर ले आऊं, मल्टीप्लाई हुए इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, एफ आर स्केयर एम वन एम टू जी के बराबर आ गया। आइए मैं थोड़ा सा इधर और इसको इलेबोरेट कर देता हूं इस साइड पे, एक मिनट बताता हूं बेटे। कैपिटल जी आ गया आपका एफ आर का स्क्वायर एम वन एंड एम टू, हां जी हां बोलो। अभी अभी हम कह रहे थे बेटा आर जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस को आपने बोला है आर, एम वन एक का मास है एम टू दूसरे का मास है,
आप बताइएगा एसआई सिस्टम में फोर्स के क्या यूनिट्स होते हैं बेटा? फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? बैठिए, बहुत बढ़िया गुड़िया। मास के क्या होते हैं? मास के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? भूल गए? बैठिए, किलोग्राम। और मिलन बेटा डिस्टेंस के क्या होते हैं? मीटर। देखो आपको सारी चीजें आती हैं, पता है, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आप लोग ये स्टूडेंट्स बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। कैपिटल जी फिर आपके पास बन गया फोर्स। देखो इस बच्चे ने कहा न्यूटन में है, मैंने लिख दिया, इसकी बात मान ली। मिलन ने कहा कि डिस्टेंस मीटर में करेंगे, मैंने इसकी भी बात मान ली, तो ये ऐसे आ गया। ये गुड़िया कह रही है कि मास में किलोग्राम में मेजर करती हूं, एक का मास, ये दूजे का मास आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? जस्टिफाइड। किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या होता है? स्केयर। 2 किलोग्राम नहीं होता, किलोग्राम स्केयर होता है। सो जी आ गया न्यूटन, मीटर स्केयर, किलोग्राम की पावर 2। यहां तो ऐसे लिख लो, इसको नीचे पावर 2 है, ऊपर कर दोगे तो -2 हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस ही आएगा। एक मुझे बात बताइएगा, सारे बच्चे आप मैथ पढ़ते हो, 1/x² को मैं x की पावर -2 लिख सकता हूं? तो पुत्र वही किया है, कोई और थोड़ी मैंने लिख दिया, यही किया है मैंने भी। मैं आपके मैथ के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, अलग नहीं जा रहा। हां जी, n फोर्स का यूनिट है न्यूटन, राइट? केजी को जैसे मर्जी कर लीजिए बेटा, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे रहने दो या ऐसे रख, जैसे भी आपका मन करता है। अश्मित नागपाल ने हैंड रेज किया है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी एक बार। ओए होए, एक मिनट रुको तो सही। आप अश्मित क्या कहते हो? सर एक बार सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट बता दोगे दोबारा? हाँ लिखवा देता हूँ बेटा। सारे बच्चे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस की बात कर रहे हो, वो अभी बहुत आगे है, अभी पीछे है बहुत, अभी तो हमने सारा पढ़ा ही नहीं है। आप कहते हैं कि जी खाना बनाया है नहीं, मैं पहले खा लूं, अभी तो बना ही नहीं है, हम पहले नहीं ना खा सकते, पहले थोड़ा पढ़ेंगे करेंगे तभी होगा ना, अभी हमें इतना आता नहीं है, राइट? अश्मित न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट कह रहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द एनी टू प्लैनेट्स और एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। फिर आप उनको कंबाइन कर लेते हो बेटा, क्या कहते हो? ठीक है, चलिए बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड। ये रद्द कर दूं सारा मैं? आप तो उसके पीछे पड़ गए हैं। एक मिनट मैं बता देता हूँ, रुक जाइए जरा, एक मिनट पहले वो ही लिख देता हूँ मैं, रुक जाइए मैं लिख, नहीं मैं भी वैसे ही लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 10^-11
आप आ जाइए, मैं बैठ जाता हूँ। हैं? ओ गुड़िया, इधर ध्यान दो काम की तरफ बेटा। मुझे देखो, हर बार आपको पुत्र, ये सारे स्टूडेंट्स आपको ये बात एक बार आके समझानी पड़ती है। दो पीरियड होते हैं, एक बार मिडल ऑफ द पीरियड में, एक बार एंड के नजदीक जाके। फिर ऐसा नहीं चाहिए ना, है ना। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी की एवरेज वैल्यू है। और सुन लीजिए, इसके यूनिट अलग हैं, इसके अलग हैं। तीसरी बात, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता रहता है वैल्यू, प्लेस टू प्लेस, प्लेनेट टू प्लेनेट। ये हर जगह कांस्टेंट है, दुनिया क्या यूनिवर्स में कहीं चले जाओ ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलें अब आगे, लिखो न्यूमेरिकल एक छोटा सा। कैलकुलेट द, लिख लो बच्चों, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस 1 kilogram each kept 1 meter from each other. आइए देखें, डायग्राम बनाकर आपकी हेल्प कर देता हूं मैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास 1 kilogram है। एक ऑब्जेक्ट और है हमारे पास, इसका मास भी 1 kilogram है। दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो है 1 meter आपको दिया हुआ है। आपको ये बताना कि ये दोनों कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए देखें, F इज इक्वल टू जी m1 m2 upon r square किया था आपने, वैल्यूज पुट कर दें सारी। F आ जाएगा 6.67 10^-11 m1 1 m2 b1, और 1 का स्केयर कितना होता है, 1 नहीं होता है। तो F कितना बन गया, 6.67 10^-11 न्यूटन। F आपके पास आ गया 6.67 10^-11 न्यूटन। इसका मतलब पता क्या है, इससे पहले 11 जीरोज आ रही है और डायरेक्टली बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही वीक फोर्स है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। जरा समझिएगा, प्रैक्टिकली मेरी तरफ देखिएगा, 1 kilogram यहां पे है, 1 kilogram यहां पे है, इनके बीच में बड़ी वीक सी फोर्स है, वो पता ही नहीं चलती। ऐसे ही आप लोग भी बैठे हैं, एक रो में एक बच्चा बैठा है, दूसरा दूसरी रो में बैठा है, आपका मास नो डाउट 1 kg से तो काफी ज्यादा है, डिस्टेंस भी आपके दोनों स्टूडेंट्स के बीच में रोज के बीच में कम है, 1 meter मान लीजिए 1 meter ही है। अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो बड़ी थोड़ी आएगी, वीक आएगी। और इस बात का प्रूफ भी हमारे पास है, जैसे ये दोनों आप बैठे हो, पास पास ही हो बैठे, आपको कोई अट्रैक्टिव फोर्स फील होती है, नहीं होती। इसका रीजन बेटे यही है कि ये फोर्स है बहुत वीक है और हम इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, और इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस नोन इन नेचर। आप अपने माइंड में ये बात भी रख सकते हो, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, बाकी सारी स्ट्रॉन्ग ही इसके कंपैरेटिवली। हाँ जी, उतना कम होता चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बेटा। आपका देखो ना, इनवर्स डिपेंडेंस है ये, अगर आर बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा, अगर आर कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो फोर्स कैसे बदल जाएगी, एग्जैक्ट बताइए।
डिस्टेंस हाफ कर दिया, फोर्स कितने टाइम हो गई बेटा? सोचिए फिर बोलिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया, फोर्स? अरे नहीं, डबल भी नहीं होगी, हाफ भी नहीं होगी, ऐसी तुक्का नहीं लगाओ। इधर देखो ना, आप डिस्टेंस को आप हाफ कर रहे हो, वो तो पता ही बढ़ जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। इसको सोचिएगा, कल करके आइएगा, कल बात करते हैं।